आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया को हमने अपने इरादे और क्षमताएं बता दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मां हत्यारी, पुलिस की ओर सीबीआई जांच। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा सिंह को एनआईए कोर्ट से झटका, पेशी से छूट की अर्जी खारिज। छत्तीसगढ़ में उद्योग मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में झगड़े कांग्रेसी, मंत्री के पास कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ विवाद। और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, एमपी में जल्द होगी पटवारियों की भर्ती। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। आज की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में 50 यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग जख्मी हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। हादसा गुरुवार को कुल्लू जिले के बजनार के पास हुआ। बस बजनार से गड़ा कुशानी जा रही थी। कुल्लू की एसपी शालिनी अग्निहोत्री के मुताबिक बस 500 फीट गहरी खाई में गिरी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस के गिरते वक्त अधिकतर की मौत बस के मलबे की चपेट में आने से होना बताई जा रही है। आसपास के लोगों और प्रशासन की मदद से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर हमले, सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। 17वीं लोकसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और पहले दो दिनों तक सांसदों की शपथ और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की पिछली उपलब्धियों का जिक्र किया, साथ ही आने वाले समय में देश के विकास और न्यू इंडिया को लेकर विजन पेश किया। आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। मेरी सरकार विदेशों में बसे तथा वहां कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा के प्रति भी सजग है। आज विदेश में अगर कोई भारतीय संकट में फंसता है तो उसे शीघ्र मदद और राहत का भरोसा होता है। पासपोर्ट से लेकर वीजा तक की अनेक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाया गया है। देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना से प्रेरित है। नए भारत की यह परिकल्पना केरल की महान आध्यात्मिक विभूति, समाज सुधारक और कवि श्री नारायण गुरु के इन सद्विचारों से प्रेरित है। जाति भेदम मतद्वेषम युदोम इल्लादे सर्वरोम सोद रत्वेन बाडुन मातृ का स्थान मानित। अर्थात एक आदर्श स्थान वो है जहाँ जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। 3 सप्ताह पहले 30 मई को शपथ लेते ही सरकार नए भारत के निर्माण में और तेजी के साथ जुट गई। एक ऐसा नया भारत जहाँ हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों, जहाँ प्रत्येक देशवासी का जीवन बेहतर बने और उसका आत्मसम्मान बढ़े, जहाँ बंधुता और समरसता सभी देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती हो, जहाँ आदर्शों और मूल्यों की हमारी बुनियाद और भी मजबूत बने और जहाँ विकास का लाभ हर क्षेत्र में एवं समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। यह नया भारत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आदर्श भारत के उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ेगा
जहां लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मसम्मान से उनका मस्तक ऊंचा रहे। गुरुदेव के शब्दों में, चित्तो जेथा भय सुनो उच्चो जेथा शीर। राष्ट्रपति ने कहा कि अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा। आज समय की मांग है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लाई जाए, जिससे देश का विकास तेजी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हों। ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप विकास व जन कल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के पुलिस वालों द्वारा युवक को लूटने के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। शिवराज सिंह शिवम के परिजनों से मिलने पहुंचे और उसके बाद कहा, ये पुलिस वाले नहीं, नर पिशाच हैं। भोपाल पुलिस अभिरक्षा में युवक शिवम की मौत का मामला गर्मा गया है। परिजनों के दबाव के बाद पुलिस ने बैरागढ़ थाने के टीआई समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन परिवार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पीड़ित के दिव्यांग माता पिता से मिलने उनके घर पहुंचे। अपने इकलौते बेटे को खोने के गम में डूबे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में शिवराज सिंह ने परिवार को ढांढस बंधाया। शिवराज सिंह ने साफ कह दिया कि ये जघन्य अपराध है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने साफ कह दिया है कि दिव्यांग माँ बाप के बेटे को पुलिस ने मार डाला, ये नीचता की परिकाष्ठा है। अपराधियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी घटना में न्यायिक जांच नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए। जरा भी इंसानियत है तो कमलनाथ जी तो सीबीआई जांच कराएं। इसे लेकर शुक्रवार को हम भारत माता चौराहे पर धरना देंगे। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो आगे लंबी लड़ाई होगी। मध्य प्रदेश पुलिस को बदनाम किया है, काला दाग लगा दिया है मध्य प्रदेश पुलिस के माथे पे। सीबीआई की जांच हो ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। फोटो मैंने देखी, सोने की चैन और बाकी चीजें, इकलौता बेटा था, लाड़ से पाला था माँ बाप ने, पैसे थे, सोने की चैन थी, बहन की 20 तारीख को सगाई थी, एक बहन सृष्टि, जिसकी सृष्टि उजाड़ दी, 20 तारीख को उसकी सगाई थी, माता पिता को, पिता को झटके आ रहे हैं। जरा भी सरकार में इंसानियत है, कमलनाथ जी मेरी आवाज सुन लो मीडिया वालों के माध्यम से ही। मैं मिलके भी हम लोग कहेंगे, उमाशंकर जी हो, हम हो, बाकी टीम हो, सीबीआई की जांच तुरंत कराओ। शिवम के परिवार से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह ने कहा कि इकलौते बेटे शिवम की मौत के बाद से ही पिता की हालत नाजुक है। उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है, फिर भी वो इलाज के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। माँ भी बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन आह निकल रही है। माँ को रोता देख कलेजा कांप जाता है। नरपिशाच थे जिन्होंने ऐसी हरकत की है। दुर्घटना के बाद शिवम को इलाज के लिए पुलिस अस्पताल ले जा सकती थी, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय थाने ले जाकर मारपीट की है। उसका शरीर नीला पड़ गया है, पूरे शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में वैशी आ गए हैं। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी और नई नई सांसद बनी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने प्रज्ञा की पेशी से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया है। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट से प्रज्ञा ठाकुर को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हर हफ्ते पेशी से छूट के लिए लगाई गई उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी अर्जी में कहा था कि वे सांसद हैं और वे संसद में चल रहे मानसून सत्र में रोज उपस्थित होती हैं, ऐसे में उन्हें हर हफ्ते होने वाली पेशी से छूट दी जाए। गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े सभी आरोपी हफ्ते में एक दिन कोर्ट में जरूर पेश हों। मामले में प्रज्ञा के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित भी आरोपी हैं। कोर्ट इस बात से खफा थी कि आरोपी कोर्ट से लगातार गैर हाजिर हैं। जगदलपुर के कांग्रेस भवन में उद्योग मंत्री कवासी लखमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुर्सी को लेकर पूर्व तथा वर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मीडिया के सामने ही कांग्रेस नेताओं ने अपनी ही किरकिरी करवाई। नौबत हाथापाई तक पहुंचती इसके पहले ही वर्तमान जिला अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेता कुर्सी के लिए लड़ पड़े और एक दूसरे को आंखें दिखाते नजर आए। कांग्रेस सरकार के 6 माह पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी कांग्रेस नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते नजर आए। तो मैं बोला, काहे का प्रॉब्लम है, तरीके से बात करना।
तरीके से बात करना, समझिए बहुत बात कर रहा है, बहुत बात कर रहे हो। चुप हो यार, बैठो ना, अपने स्थान पे आप ग्रहण करिए, मैं अपने स्थान पे बैठा हूं, नहीं गलत बात कर। उद्योग मंत्री के बगल में ही कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा भी बैठे थे। उनके बाद वाली कुर्सी पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष उमाशंकर शुक्ला बैठे थे। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के वहां आने पर राजीव शर्मा ने अपनी कुर्सी छोड़ दी तथा उमाशंकर शुक्ला को अगली कुर्सी पर बैठ जाने के लिए कहा। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव शर्मा भी हिस्सा ले रहे थे अथा कैमरे के फ्रेम में बने रहने के लिए उनका ऐसा बोलना लाजमी था, मगर उमाशंकर शुक्ला के कुर्सी छोड़ने से मना करने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश की। इस तीखी झड़प के बीच उद्योग मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकी रही। कुर्सी को लेकर कांग्रेसियों के बीच हुई इस आपसी झगड़े में प्रेस के सामने कांग्रेस की किरकिरी कर दी गई। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि एमपी में जल्द पटवारियों की भर्ती होगी। अब हर हलके में होगा पटवारी, पटवारी अपने मुख्यालय में हफ्ते में दो दिन बैठेगा, नहीं बैठा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश के सारे हलके में पटवारी की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक हलके में पटवारी हो। 8,400 पटवारी की भर्ती हुई है, जिन्हें प्रत्येक हलके में पदस्थ किया जाएगा। पटवारी अब अपने मुख्यालय में सप्ताह में दो दिन बैठेंगे और जो नहीं बैठेंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। राजस्व लोक अदालत लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इन लोक अदालतों के माध्यम से अभी तक 1,00,000 से ज्यादा पेंडिंग राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। हर 6 महीने में एक बार लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। पटवारियों के लिए पुराना बस्ता जो चल रहा है जन्म जात में नक्शा खसरा, उसके लिए हम थोड़ा आधुनिक करने वाले हैं। हम पटवारियों के लिए ई बस्ता देंगे, पटवारियों को लैपटॉप देने वाले। अब पटवारियों को लैपटॉप मिलेंगे, पूरा उनका ई बस्ता होगा, मॉडर्न होगा। इसकी पायलट परियोजना की शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश किसी दो जिलों को हम लेंगे जहाँ से शुरुआत होगी। इसलिए हम इसको पायलट परियोजना में ले रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी बहुत सारे पटवारी हमारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब आज के अनुसार नहीं है। होशियार तो बहुत है वो, तो लैपटॉप चलाना नहीं आता, किसी को ये परेशानी होती है। जो नए पटवारी निकले उन्हें सब आता, इसलिए हमने शुरुआत की है कि पटवारियों को हम ट्रेनिंग देंगे ताकि हमारा हर पटवारी जो भी आपका काम है उसको फटाफट लैपटॉप पर कर सके। तो पटवारियों के लिए लैपटॉप देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं और हमने कर दी है, दो जिलों से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। राजपूत ने कहा डायवर्जन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, नामांतरण और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। इसके चलते अब एक ही आवेदन के माध्यम से ये दोनों काम हो जाएंगे। ग्वालियर चंबल इलाके में रेत माफिया की दबंगई के आगे प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। शिवपुरी में वन विभाग की गाड़ी ने जब अवैध उत्खनन कर रेत ले जा रहे डंपर को रोकने की कोशिश की तो वन विभाग की गाड़ी को टक्कर मार दी। मध्य प्रदेश में रेत का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफिया इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि वन विभाग से अपना डंपर छुड़ाकर ले जा रहे हैं। ताजा मामला शिवपुरी जिले के करैरा तहसील का है। यहां आज तड़के 4 बजे वन विभाग का उड़न दस्ता गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था। इसी दौरान शक होने पर उड़न दस्ते ने एक डंपर को जांच के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन डंपर का ड्राइवर वन विभाग की गाड़ी को टक्कर मारकर भाग गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी कर्मचारी के साथ अनहोनी नहीं हुई। किसी तरह वन विभाग के अमले ने जब डंपर को पकड़ा तो ड्राइवर सड़क पर रेत खाली करके गाड़ी लेकर भाग गया। डंपर को रोकने की कोशिश की चेक करने के लिए, अच्छा, लेकिन डंपर नहीं रुका और उसमें एक बार टक्कर मारी, उसके बाद दोबारा फिर टक्कर मारी। इसी बार हमने गाड़ी साइड में अपनी तकरीबन 4 बजे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कौवा मतलब काला ही माना जाता है, लेकिन परासिया के बरारिया गांव में एक सफेद कौवा सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इस कौवे को देखने आते हैं और ग्रामीण साल में एक बार इसकी पूजा भी करते हैं। छिंदवाड़ा के परासिया विकास खंड से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बरासिया इस समय सुर्खियों में है। इस गांव को सुर्खियों में लाया है कौवा। जी हाँ, कौवा, वो भी सफेद। एक गांव में पिछले कुछ सालों से सफेद कौवा देखने में मिल रहा है। सफेद कौवे को देखने के लिए लोग बरारिया गांव पहुंचते हैं। सफेद कौवे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये पिछले कई सालों से काले कौओं के साथ यहाँ रह रहा है। ये बहुत दिन पहले, मान के चलिए आज से लेकर 10 साल पहले का ये बरारी ग्राम में आया। वो पता नहीं कहाँ से आया, कैसा आया, लेकिन उसका कलर सफेद है और वो इसी मोहल्ले पे अभी भी रहता है। नहीं, उसकी नस्ल अभी बड़ी नहीं हुई की है। जी जी, ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसका कलर सफेद ही है, उसके पंख सफेद है, उसकी जाति भी वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन वो कहीं पे भी अगर देखे बहुत सी जगह, लेकिन उसकी जाति सफेद की नहीं मिली। वो एक बरारी भर में हमको देखने को मिला। इस इलाके में हमेशा काले कौवे मिलते हैं। पहली बार यहाँ सफेद कौवा अचानक लोगों की नजर में आया। इसका घोंसला भी पास में एक पेड़ के ऊपर है। यहाँ के लोग यह नहीं जानते कि यह सफेद कौवा कहाँ से आया, लेकिन एक बात है, इस गांव में सालों से एक बार एक सफेद कौवे की पूजा अर्चना की जाती है। रीवा में बीते दिनों एक युवक की लॉ कॉलेज के पास हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी एवं मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंध को लेकर हत्या की गई थी। आरोपी सहित मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा में एक युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपी व मृतक की पत्नी आशा चौधरी को घटना को अंजाम देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 8 जून को लॉ कॉलेज के पास एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस अंधी हत्या का पर्दाफाश करते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने बताया कि आरोपी सोहेल खान और मृतक की पत्नी के बीच में अवैध संबंधों को लेकर यह हत्या की गई है, जिससे आरोपी सोहेल खान को छतरपुर से गिरफ्तार करके रीवा लाया गया है। साथ ही मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। SP रीवा के अनुसार मृतक राम सुमिरन साकेत की हत्या गला दबा कर की गई थी। मृतक की पत्नी आशा चौधरी ने आरोपी सोहेल खान को पैसे देकर भागने में मदद की थी। आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो है, इसका नाम है सोहेल अहमद। ये महिला जो इसकी पत्नी है, ये मृतक की दूसरी पत्नी है। और ये महिला जो है, ये करीब 6 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक ये छतरपुर में रही है। इसके पिताजी वहाँ पर ड्राइवरी का काम करते हैं। छतरपुर में ही उसके पिता के संपर्क में ये सुहेल अहमद व्यक्ति है, और उसी माध्यम से वो सुहेल अहमद यहाँ रीवा में कुछ काम के बहाने से आया। और सुहेल अहमद क्योंकि लड़की के महिला के घर के पक्ष से आया था, तो कभी कभी वो उनके घर पे रहता भी था। इस प्रकार से ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ उनके बीच संबंध स्थापित हुए। और जो मृतक है, वो जो पति है, उसने बीच में विवाद लेना सोचा रहता था, महिला वो कभी कभी मारता पीटता भी था। इन कारणों से या फिर संभावित प्रेम प्रसंग के कारणों से जो भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मिलकर के जो सुहेल अहमद है और ये जो महिला इसकी पत्नी है आशा चौधरी, इन दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि इसको पति को मारना था। और एक सुनियोजित तरीके से इसके पति को ये सुहेल अहमद लेकर के घटना के नाम के दिन ले गया। हम आपको लेकर चलते हैं। छतरपुर में मुफ्त आम न देना एक महिला को इतना महंगा पड़ गया कि गुस्साए होमगार्ड आरक्षक ने महिला की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना में घायल एक महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी होमगार्ड के जवान की तलाश शुरू कर दी है। छतरपुर में महिला की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या करने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महिला का कसूर बस इतना था कि उसने होमगार्ड में पदस्थ आरक्षक को मुफ्त में आम देने से मना कर दिया था। घटना पिपट थाने के पनागर की है, जहां बिमला राजपूत और मोहिनी राजपूत आम की टोकरी लेकर खेत जा रही थी। तभी सटई थाने के पदस्थ लखन दुबे ने आम फ्री में उससे देने को कहा, तो महिला ने मना कर दिया। महिला के मना करने के गुस्साए लखन दुबे ने दोनों महिलाओं को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। पत्नी कुआं पर जा रही थी तो लखन दुबे ने कुल्हाड़ी से मूंद मारी और मार मार पीट पीट कर उसको मार डाली।
सर आम बेचने जा रही थी मम्मी, तो कह रहा था फ्री में दे दो। उनने कहा कि भैया नहीं पैसे में देंगे, तो मम्मी को गाली दी। वो ऐसो फिर जे लोग जा रहे थे कुआं पर, तो इनको भी मारा। बेमला की मौत हो गई और मोहिनी घायल है। वे मेरी पत्नी है मोहिनी, बेमला मेरी बहू है। दोनों घायल महिलाओं को बिजावर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, तभी इनमें से घायल बिमला राजपूत की मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला मोहिनी की हालत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी होमगार्ड के जवान की तलाश शुरू कर दी है। थाना पिपट में ग्राम पनागरी घटना है। इसमें बिमला राजपूत नामक एक 30 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई है। जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी लगी है उसमें ये महिला आम बेच रही थी, इसके साथ ये जो होमगार्ड का सैनिक है उसके द्वारा महंगे आम होने की शिकायत की गई, आपस में उनमें झगड़ा हुआ, इसके द्वारा डंडे से प्रहार किया गया है, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया पता लगा है। ऐसे इसकी मृत्यु हुई। उसकी महिला की जेठानी जो बीच बचाव करने आई मोहनी, वो भी घायल हुई, वो अस्पताल में इलाजरत है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है, आरोपी तलाश किया जा रहा है। रीवा की समान थाना पुलिस को एक महिला के साथ लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी के ऊपर पहले से भी लूट के कई मामले दर्ज हैं। रीवा में चिरहुला मंदिर दर्शन को जा रही महिला के साथ सोने का लॉकेट लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अब्दुल फरीद ध्रुव सिंह व इरफान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से छीना हुआ लॉकेट, 4 नग मोबाइल व धारदार चाकू जब्त किया है। लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये आदतन अपराधी हैं। इन अपराधियों आरोपियों पर पहले से भी लूट आदि के मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे और भी लूट की घटनाओं की जानकारी ली जा रही है। कई घटनाएं चेस स्नैचिंग की यहाँ समान में हुई है हमारी जानकारी में, और लगातार 2-3 गैंग हम लोग इसमें पकड़ भी चुके हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है, उसके पहले भी पकड़ा गया है समान में, और एक ये हमने फिर एक भी पकड़ा है। तो इससे संभवतः ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें हम लोगों को कमी जो है, इस तरह की जो लूट हो रही है महिलाओं के साथ उसमें मिलना होना चाहिए। टीम ने इसमें अच्छा काम किया है, काफ़ी इसमें डिटेल्ड इनपुट्स छोटे छोटे मिल रहे थे कि कौन आदमी है, कहाँ है, और उनको ट्रेस करने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी शुरू में, लेकिन बाद में फिर इन लोगों को सबको तीनों लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर दिया है। और इनसे हम लोग और भी जो हमारी घटनाएँ हुई हैं लूट की हैं और चेन स्नैचिंग की, उनके बारे में लगातार पुलिस पूछताछ। भोपाल में बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एमपीईबी ऑफिस का घेराव कर कमलनाथ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि बिजली का बिल कम होगा, लेकिन सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। बिजली बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि गरीब आदमी बिल भरने में असमर्थ है। बीजेपी पार्षदों ने बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में जहां अभी तक बिजली गुल होने को लेकर सियासत शुरू हुई थी, वहीं अब बीजेपी ने बिजली के बढ़े हुए दामों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पश्चिम विधानसभा के पार्षदों ने एमपीवी ऑफिस का घेराव कर दिया। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने बिजली के बिल इतने बढ़े हैं कि गरीब आदमी बिल भरने में असमर्थ है। इधर एमपीईवी के अधिकारियों का कहना है कि योजना का लाभ लेने के लिए 100 यूनिट या उससे कम की खपत होनी चाहिए। जिनके हितग्राहियों को हम जो छूट दे रहे हैं, इंदिरा गांधी ज्योति योजना के अंतर्गत छूट दिए जा रही है, इसके अंदर जो कर्मकार मंडल के अंतर्गत या श्रमिक कार्ड जिनके पास में हैं, उन लोग को ये छूट मिलेगी। उसमें उनकी खपत के अनुसार जो बिल आएगा, उसमें प्रथम 100 यूनिट पर 100 रुपये का बिल आएगा, और 100 से ऊपर जो यूनिट्स हैं वो नॉर्मल जो टैरिफ है उसके अनुसार आएगा। मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लीजिए किसी हितग्राही का बिल 225 यूनिट आता है, तो 225 यूनिट में प्रथम 100 यूनिट पर 100 रुपये आएगा, और बाकी जो 225 यूनिट एक्स्ट्रा बचेगी उस 225 यूनिट पर हमारा जो नॉर्मल टैरिफ लगता है घरेलू टैरिफ, उसे बिल दिया जाएगा। तदनुसार ही बिल आगे महीने से प्रेषित किए जाएंगे। अभी परेशानी ये हो रही है कि सब लोग को चाहिए 100 रुपये का 100 यूनिट का बिल। कई हमारे ऐसे साथी हैं जिनके पास में श्रमिक कार्ड या उनका संबल योजना के अंतर्गत उनकी हितग्राही नहीं बने हैं। वो मैं निवेदन है कि पहले वो अपना हितग्राही बने, पहले इसकी श्रमिक कार्ड बना के लेके आए, हम रजिस्टर करेंगे उनको, और जिन हितग्राहियों को रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को उस छूट की पात्रता रहेगी, उनको छूट का लाभ मिलेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिल हजारों रुपए का आ रहा है, किसी का बिल 5,000, किसी का 10,000, तो किसी का उससे भी ज्यादा आया है। जबकि कमलनाथ सरकार ने कहा था कि बिजली के बिल कम होंगे, मगर सरकार ने जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया, जिसके कारण आज सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे हैं।
प्रदर्शन में वार्ड के पार्षद राजेश खटिक सहित कई अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आज वार्ड 47 और 31 के पार्षद लोगों ने इस बात के लिए अनुमति चाही थी सभा की, हमारी जो बिजली बिल है उसको पुराने रेट पे दिया जाए और हमारे बिजली के बिल जो अभी आ रहे हैं उसको आप पुनर्विचार करें। तो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं जाहिद खान साहब, उन्होंने उनको जो वर्तमान नियम है और पूर्व में जो नियम है उनको उनके बारे में समझाइश दी गई। उनको ये भी बताया गया कि जो जून का बिल है वो जो पूर्व की भांति दिए जाएंगे, यदि उनके पास यदि बिल ज़्यादा है तो उसको जो है पुराने रेट से ही लिए जाएंगे, और जो जुलाई का रेट जो जुलाई के बिल आएंगे उसमें प्रति 100 यूनिट पे 100 रुपये और उसके बाद जो नॉर्मल रेट है उसके मुताबिक लिए जाने हैं। और ये समझाइश उनको बता दी गई है, क्योंकि उनको हो सकता है नियमों का ज्ञान नहीं रहा होगा, इसी कारण जो है उन्होंने आज हम लोगों से सभा की अनुमति चाही थी और वो चाह रहे थे कि हम लोग जो है उनसे बात करें। इसी कारण हम और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने इस क्षेत्र के जो आम जनता है वार्ड 47 और 31 के उनसे उन्होंने बात की। ओपनर शिखर धवन के अंगूठे की चोट के चलते क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। धवन के बाहर होने से टीम इंडिया को करारा झटका लगा है। युवा ऋषभ पंत को धवन की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया है। धवन ने वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद इमोशनल वीडियो पोस्ट किया और कहा, सो मस्ट गो ऑन। धवन को यह चोट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करते वक्त पैट कमिंस की गेंद पर लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने 117 रनों की शतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। पहले ऐसा लग रहा था कि शिखर 2 सप्ताह में ठीक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें टीम से बाहर कर पंत को टीम में शामिल किया। शिखर धवन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मैं इस बात का ऐलान करते हुए भावुक हूं कि मैं अब क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का हिस्सा नहीं हूं। दुर्भाग्यवश बाएं हाथ का अंगूठा सही समय पर ठीक नहीं हुआ है, लेकिन सो मस्ट गो ऑन। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मेरे टीम मेट्स, क्रिकेट लवर्स और पूरे देश से इतना प्यार और समर्थन मिला। उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा, जय हिंद। एवरीवन, जस्ट वांटेड टू मेक अ वीडियो टू शो ग्रेटिट्यूड towards your prayers and love which you all have been showering at me, and really appreciated. Unfortunately, my thumb won't be recovering on time, and I really wanted to play the World Cup and represent my country, and now it's time for me to go back and recover well and be ready for the next action. And I'm sure boy is doing great job at the moment and gonna do really great and win the World Cup, and keep praying for us and keep supporting us. Your support and prayers are very, very important and very dear to us, and thank you all again for all your support and love. Love you all. Take care. धवन ने इस वर्ल्ड कप में 2 मैच खेले। धवन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मात्र 8 रन बनाए थे, लेकिन ओवल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोरदार शतक लगाया था। भारत के लिए धवन का वर्ल्ड कप से बाहर होना करारा झटका है, क्योंकि इसके प्रमुख गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पहले ही चोटिल हैं। भुवी हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते अगले 2-3 मैचों में नहीं खेल पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ है जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, ऐसा मजा आ रही है बता रहा हूँ, इंडिया ने पाकिस्तान को 7वीं बार टपका दिया वर्ल्ड कप में, बता रहा हूँ। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था उनके कैप्टन को कि पहले बैटिंग कर लेना, और मैं बता रहा हूँ वहाँ प्राइम मिनिस्टर की कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा तो चल जाए। और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और बारिश हुई नहीं, और मैं बता रहा हूँ आंसू ये थे आंसू बहाए जा रहे हैं भलेल भलेल। और वहाँ के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा बाहर हैं, वो कहीं कह रहे हैं ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ भैया इतना ज़्यादा तकलीफ है, तो खुद ही आ जाओ फिर से खेलने, संन्यास वापस ले लो अपना, फिर से टीम बना लो। तुम्हारे नए लड़कों में दम नहीं है, हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल हो गई, बता रही हूँ। मैंने जाके फिर बहुत सरप्राइज से बात की, पूछा मैंने कि भैया बता दो असली बात बता दो क्यों हार गए। तो उसने बोला कि 16 जून को भैया फादर्स डे था, वो हम अपने फादर से कहते जीत सकते हैं, उनको गिफ्ट दे दिया हमने जीत में। हाँ, ये तो चल गया। बिहार में भैया देख लो, ये गर्मी के कारण धारा 144 लगा दी, बताओ ऐसा उत्पात मचा रही है गर्मी वहाँ पे। और वहाँ पे भैया 183 लोग मर गए, बच्चे मर रहे हैं बेचारे लू से, ऐसा तो हो रहा है। बताओ गर्मी कैसा कहर ढा सकती है, बता रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ बिहार में भी है ना पेड़ वेड़ लगाओ भैया, बड़ा मुश्किल काम हो रही है आजकल। और ये खबर देख लो, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इन्हें बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इन्होंने कहा इनके जो महाप्रबंधक है वो सब रेल से यात्रा करेंगे, और रेल से यात्रा करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि भैया रेल में जाएंगे बैठेंगे तो बाकी समस्या खुद देखने को मिलेंगी, कैसे एक दूसरे के ऊपर लद्द पद्द जाके बैठ के जाते हैं लोग, तब तो समझ में आएगा इनको क्या हो रही है देश में।
रेलवे में कितने सुधार की जरूरत है। और यह खबर ये देख लो, ये पीएनबी घोटाला करके गए जो गए थे ना मेहुल चौकसी, हाँ मेहुल चौकसी एंटीगुआ में ऐश कर रहे हैं जो बैठ के, वो कह रहे हैं मैं आ नहीं पाऊंगा, यहीं आके पूछ लो। और मैं कह रहा हूँ ये पीएनबी का घोटाला कर करके इतना खाली है, इतने चौड़े हो गए हो तो बीमारियां तो होंगी, और चुपचाप बता रही हूँ खींच के लाना पड़ेगा, आ जाओ यहाँ पे। हाँ और मैं बता रही हूँ ये ममता दीदी के चक्कर में पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, बताओ क्या क्या दुर्दशा हो रही लोगों की, बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, कोई किसी वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी का ये वो लगा हुआ है। और मैं बता रही हूँ डॉक्टरों को मारती क्यों यार, उनकी है वो तुम्हारा इलाज कर रहे हैं भैया, तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए, बता रहे हो। और वहाँ पे अब स्ट्राइक खत्म होने वाली है शायद, कुछ समझौते मांगे मांगे मान लिए हैं ममता बनर्जी ने, तो उनके अब पुलिस वाले रहेंगे हर जगह, ये अच्छी बात है डॉक्टरों की भैया, उनकी भी रक्षा करना चाहिए। हाँ और ये भैया ये संसद का बजट सब शुरू हो गया है। और मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी को तो ऐसा याद करते हैं लोग, सुबह से नहीं आए तो वो चिल्ला चौड़ हो गई, राहुल गांधी क्यों नहीं आया, राहुल गांधी कितने प्रिय हैं बता रहे राहुल गांधी हैं। और फिर वो 4 बजे आए, फिर उन्होंने शपथ ली। और ये प्रज्ञा भारती हैं, प्रज्ञा साध्वी जी, इनका नाम तो विवादिता होनी चाहिए, साध्वी बता रहा हूँ, हजाम ही जाती विवाद शुरू हो जाते हैं इनका। इन्होंने जो शपथ ग्रहण ली उसमें अपने गुरु जी का नाम ले दिया, ये ले दिया, वो ले दिया, और वहाँ फिर चिल्ला चौट कर दी लोगों ने कि भैया ये नहीं गुरु जी के नाम नहीं है, वो तो वहाँ पे संविधान के नाम पे शपथ लो, ईश्वर के नाम पे शपथ लो, फिर उन्होंने चेंज किया, पता नहीं ये तो चल रहा है। और अमेरिका में देखो कितनी खबर है, भारतीय परिवार की हत्या कर दी वहाँ पे किसी ने, सिर्फ फिर ने बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ वहाँ आके रहती है क्यों यार, अपने देश इतना बड़ा है, प्रगति कर लिया है, यहीं रहो ना, काहे को वहाँ मानने जाते हो। और यह खबर देखो अमेरिका से एक अच्छी खबर भी आ रही है कि जब भी युद्ध वगैरह होगा तो अपने को भी है ना हथियार मिल जाएंगे, जो नाटो देश है जिनको है ना जो अधिकार प्राप्त हैं वो अपने को भी मिल गए अब तो। ये मोदी जी का जो भैया है ट्रंप के साथ दोस्ती हो रही है उसका फायदा हो रही है बता रहे हो। और आखिरी खबर ये सुन लो भैया, भोपाल से अच्छी खबर है, कलकत्ता और पटना लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट है तो शुरू होने वाली है, तो भैया टिकट बुक करा लो, खूब घूमो इधर उधर। और मैं भी चला भैया कलकत्ता जा रहा हूँ, जरा दीदी से मिल लूँ, बहुत भुनभुनाती रहती है, उनको जरा भोपाल का पानी ले जाके पिलाऊंगा। हाँ तो भैया जय श्री राम, मैं जा रहा हूँ। Thank you.